कभी कभी बंद बोतलों से भी जिन निकल आया करते हैं। ऐसे ही डब्बा बंद कुछ फिल्में बाहर आ जाती हैं और बन जाती हैं जिन। यस, ऐसा लगता है जैसे कि एक डब्बा बंद फिल्म बाहर निकली है। फिल्म का नाम है लतीफ, डायरेक्टर हैं इसरार अहमद और फिल्म की स्टारकास्ट में मुरली शर्मा, कादर खान और मुकेश तिवारी के साथ लीड रोल प्ले कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुनने के बाद फिल्म से एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ेंगी, लेकिन फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये उस वक्त की फिल्म है जब नवाज काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो लेवल है वो छोटे मोटे स्टार्स के साथ काम करने का नहीं है। इसलिए नवाज इस फिल्म में जहाँ पर सिर्फ फिल्म का एक पार्ट लग रहे हैं और बाकी सारे एक्टर्स उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिल्म नवाजुद्दीन फैंस को बहुत ज्यादा अपील ना कर पाए। एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म कुछ वक्त पहले बनी और अब नवाज की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए इसे फाइनली रिलीज किया ही जा रहा है।